तो मैंने आपको कोलफील्ड एक्सप्रेस की जर्नी दिखा दी, हावड़ा टू सियालदह वाया बस की जर्नी दिखा दी, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ धनबाद से कोलकाता के बीच चलने वाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस की जर्नी। जी हाँ, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने परिवार वालों के साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आप भी मेरे साथ द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया से द सिटी ऑफ जॉय डिजिटली और फुल्ली इंटरटेनमेंट के साथ हमारे साथ ट्रैवल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरी तरह धनबाद से हावड़ा अपनी जर्नी या ट्रैवल प्लान कर रहे हो और वो भी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में, तो मैं आपको इस ट्रेन की कॉस्टिंग और कोच पोजीशन के बारे में बता दूं। इसमें टोटल 16 टू सीटिंग कोचेस है और दो एसी चेयर कार की कोचेस है। टू सीटिंग की कोच की प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस 130 रुपीज़ पर पर्सन, और चेयर कार की अगर बात करूँ तो इसकी प्राइस है आपकी 435 रुपीज़ पर पर्सन। ये धनबाद से हावड़ा टोटल 270 किलोमीटर कवर करती है और इसके टोटल 16 हॉल्ट है, और ये धनबाद से हावड़ा के बीच मोस्ट डिमांडेबल ट्रेनों में से इसकी गिनती आती है। और ये धनबाद से शाम के 4:20 पर खुलती है और आपको हावड़ा रात के 9:30 पर पहुँचा देगी। तो चलिए, डिपार्चर का वक्त लगभग हो ही चुका है, आपको सीधा मैं डिपार्चर के वक्त पर मिलता हूँ।
नाउ वी अराइव्ड एट आसनसोल स्टेशन, जिसका कि स्टेशन कोड ASN है और यह टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या 7 है और इसे द सिटी ऑफ ब्रेव भी कहा जाता है। यह रोजाना 1,00,000 से भी ज़्यादा यात्री आते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एवं क्लीनेस्ट स्टेशनों में से इसकी गिनती आती है। नाउ वी अराइव एट वर्धमान जंक्शन, जिसका कि स्टेशन कोड BWN है। इसे इन द ईयर 1880 में ओपन कर दिया गया था और वर्धमान जंक्शन में टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है और हम अपने तय समय पे बिल्कुल 7:20 पर वर्धमान जंक्शन पे कॉन्टैक्ट कर चुके हैं। जो आप सामने DMU ट्रेन देख रहे हैं, शायद वर्धमान जंक्शन पे बेपटरी हो गई थी, जिसे रिलीफ वैन द्वारा पटरी से ऊपर ले जाया जा रहा। चलिए मैं अब आपको धनबादतोहरा ब्लैक डायमंडेक्सप्रेस का वॉशरूम के दर्शन करवाता हूँ। सामने एक बड़ा सा मिरर, नल वॉश बेसिन, जिसमें नल से भी पानी वगैरह आ रहा है और इसमें फिलहाल कुछ तो खास नहीं है, एक फ्लश है और ये इंडियन स्टाइल है। इस ट्रेन में सिर्फ आपको इंडियन स्टाइल वॉशरूम देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एक डस्टबिन भी दिया है जहाँ पे मैचेस वगैरह है, लग रहा किसी ने सिगरेट वगैरह भी पी रखी है। वॉशरूम मुझे अपना ठीक ठाक नहीं लगा क्योंकि वॉशरूम में से एक अजीब तकलीफ स्मेल भी आ रही है। दोस्तों हमारी ट्रेन अभी शक्तिगढ़ जंक्शन पर रुकी हुई है क्योंकि हमारी ट्रेन क्या कहे कि अभी मालगाड़ी है, इसे जब तक लूप लाइन में नहीं दिया जाएगा हमारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो चलिए देखते हैं कब तक हमारी ट्रेन को शक्तिगढ़ में रोका जाएगा। और इसका अगला स्टॉप बैंडेल है, जहाँ पर मैं उतरने वाला हूँ और आज मैं आपको जर्नी हावड़ा तक नहीं दिखाने वाला, मैं आपको जर्नी बैरकपुर या पलता जंक्शन पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यार, आपको तो हॉन्किंग सुनाई दे ही रहोगे, क्या शानदार हॉन्किंग है, इसका मतलब हमारी ट्रेन की सिग्नल हो चुके, सुन के मज़ा ही आ गया। चलिए अब इसको डिपार्चर को आपको इंजॉय करवाते हैं।
तो और ये मैनल जंक्शन पेंटर कर चुके जिसका कि स्टेशन को BDC में और बैनल से मुझे कनेक्टिविटी ट्रेन पकड़ के बैरकपुर जाना था जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी हुई थी और जिसका कि टाइम है 8:40। हमारी ट्रेन 8:35 में एंटर कर चुकी थी तो हड़बड़ी के कारण मैं उस ट्रेन का वीडियो तो नहीं बना पाया लेकिन उसके आगे की जर्नी। दोस्तों ये हम नैहाटी जंक्शन पर पहुँच चुके जिसका कि स्टेशन कोड NH है और नैहाटी में टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है। अब मुझे नैहाटी से बैरकपुर की ट्रेन पकड़नी है जो कि इसी प्लेटफॉर्म में आने वाली है। तो चलिए ट्रेन आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हम पर्यटक जंक्शन पर उतर चुके
जिसका कि स्टेशन को TTF है और आज की हमारी जर्नी यहीं तक होने वाली। तो यहाँ तक आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।